कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। मैं आरएफ प्रसाद सर आज आप लोगों को पार्ट 13 राजनीतिक विज्ञान में संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें पहले मुख्य हेडलाइंस क्या है वो देख लेते हैं। तो ये पहला है, गांधी जी के स्वराज्य की कल्पना में ग्राम पंचायतों को अधिकार अधिक दिए गए, मतलब इनको अधिकार जो है अधिक देना था। और ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य की स्थापना की गई है, याद रखना बच्चों ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 73वें संविधान। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र है। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा को शक्तिशाली सदन माना जाता है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। भारत के संविधान में कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। लोकसभा में अनेक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। निर्वाचन आयोग का कार्य निष्पक्ष चुनाव करवाना है। सामाजिक असमानता और जातिवाद राष्ट्र के विकास में बाधक है। सन 1889 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। संविधान में किए गए बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार है। संविधान में पहला संशोधन सन 1951 में हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। चलिए प्रश्नों पर नजर डालते हैं हम लोग जरा। अगर हर राजनीतिक निर्णय केंद्र सरकार ही करे तो आम लोगों को किस तरह की परेशानियां होंगी? तो ये उत्तर है बच्चों, यदि हम निर्णय केंद्र सरकार करें, यदि हर निर्णय केंद्र सरकार करे तो सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा, प्रत्येक निर्णय में विलंब होगा और सरकार जनता की पहुंच से दूर हो जाएगी। प्रश्न अगला है, यदि सारे राजनीतिक निर्णय पंचायत स्तर पर हो तो उसका क्या प्रभाव होगा? कक्षा में विचार करें। तो उत्तर है बच्चों ये, सारे राजनीतिक निर्णय पंचायत स्तर पर हो जाएंगे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अस्तित्व का महत्व तो समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक निर्णय स्थानीय, प्रांतीय या राष्ट्रीय स्तर जो भी हो उसी के अनुरूप उसके अधिकार उस स्तर की शासन व्यवस्था को मिलना आवश्यक है। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो किंतु उसकी बंदरबांट न हो। प्रश्न है, हम पूर्व कक्षाओं में पढ़े केंद्र सरकार और संसद की मुख्य बातों को याद करें। तो पहला है, हमारे संसद के दो सदनों के क्या नाम है? तो ये उत्तर है, हमारे संसद के दो सदनों के नाम क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से किस सदन को भारत के सभी वयस्क व्यक्ति वोट देकर चुनते हैं? उत्तर है, इनमें लोकसभा के सदस्यों को भारत के सभी वयस्क व्यक्ति वोट देकर चुनते हैं। अगला है, संसद में कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं? तो उत्तर है, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त सहमति के बाद जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तभी संसद में कानून बनाए जाते हैं। प्रश्न है, टीवी पर संसद की गतिविधियों को देखें और उन पर कक्षा में चर्चा करें। उत्तर है, ये संसद की कार्यवाही जब चलती हो तब अपने विशेष शिक्षक से उस पर चर्चा कर लें तो पता लग जाएगा आपको। चलिए प्रश्न है, ये क्या कारण है कि पर्याप्त संख्या में महिलाएं चुनाव लड़कर लोकसभा में नहीं पहुंच पाती हैं? तो उत्तर है, संसद में महिलाओं के लिए सीट निश्चित नहीं की गई है। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए हो यह कानून ही नहीं बन पाया, इसलिए पर्याप्त संख्या में महिलाएं चुनाव लड़कर लोकसभा में नहीं पहुंच पाती है। प्रश्न है, क्या दो सदनों से कोई नुकसान या समस्या भी हो सकती है? अपने विचार रखें। तो उत्तर है, दो सदन होने से जल्दबाजी या त्रुटिपूर्ण काम से बचाव हो जाता है, इससे नुकसान
कुछ नहीं अपितु कार्य सोच समझकर और सही तरीके से हो जाते हैं। प्रश्न है, भारत के अधिकांश प्रांतों में एक ही सदन है, क्या प्रांतों में दो सदन जरूरी नहीं है? यदि हाँ तो क्यों? उत्तर है, ये प्रांतों के कार्य क्षेत्र सीमित होते हैं, एक सदन से भी काम चल सकता है, राष्ट्रीय स्तर के कार्यों के लिए दो सदन आवश्यक है। राज्यसभा के काम पर विचार, समाचार पत्रों में जो खबर छपी है उन्हें इकट्ठा कर चर्चा करें। चलिए देखते हैं, कक्षा में सभी चर्चा कर रहे हैं, तो राज्यसभा है यहाँ पे और ये लोकसभा है, तो देखते हैं पहले सदस्य की संख्या। तो अधिकतम जो है वो 250 है, प्रांत प्लस संघ शासित प्रदेशों की। विधायिका द्वारा निर्वाचन 238 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12। इधर क्या है, अधिकतम 552 है लोकसभा में और सीधे चुनाव से 550। चलिए उम्मीदवार की आयु देखते हैं, कम से कम 30 वर्ष हो और इधर लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष हो। अधिवेशन संख्या 3 सत्र या अधिवेशन शीतकालीन, और इधर 3 सत्र या अधिवेशन शीतकालीन, मानसून और बजट। इसमें क्या है, साल में कुल सत्र यह है, मानसून और बजट। बजट अधिवेशन दो भागों में होता है। सभापति कौन है यहाँ, राज्यसभा में भारत के उपराष्ट्रपति यानी पदेन सभापति, और लोकसभा में सदस्यों द्वारा चयनित अध्यक्ष यानी स्पीकर जिसको कहा जाता है। गणमूर्ति सदन में वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम उपस्थिति, कुल सदस्यों का हिस्सा जो है वो कितना होना चाहिए, 1/10 हिस्सा होना चाहिए, और यहाँ कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, ये बिल्कुल समान होता है। दी गई तालिका के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1 है, यहाँ पे किस सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए व्यापक प्रचार प्रसार और हर मोहल्ले में मतदान होता है? तो उत्तर है, ये लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए व्यापक प्रचार प्रसार व मतदान होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? दोनों सदनों के बीच यह अंतर क्यों रखा गया होगा? उत्तर है, ये लोकसभा सदस्य की उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य की उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। दोनों के बीच अंतर का कारण एक सीधे चुनकर आता है और एक चुने हुए सदस्यों से चुनकर आता है, इसलिए यह अंतर रखा गया होगा। किस सदन में सदस्यों की संख्या अधिक है, यह अंतर किस कारण रखा गया होगा? तो उत्तर है, ये लोकसभा सदस्यों की संख्या 550 और राज्यसभा की 250 है। इस अंतर का कारण एक जनसंख्या के आधार पर बने चुनाव क्षेत्र से चुने जाते हैं, दूसरे प्रांतों के विधायिका द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसकी अंतर है। प्रश्न है, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है? तो उत्तर है बच्चों, ये कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कानून बनता है। इस प्रकार संसद कानून बनाने की प्रक्रिया में कार्यपालिका राष्ट्रपति पर निर्भर है। तो प्रश्न है, इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक? तो उत्तर है, ये इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा। प्रश्न है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इनमें से कौन सा कार्य आपको सबसे महत्वपूर्ण लगा? तो उत्तर है, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान संशोधन संबंधी कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, यदि संसद बजट व न पारित करे तो क्या होगा? तो उत्तर है, ये संसद बजट न पारित करे तो देश में वर्ष भर के खर्च और आय का ब्यौरा बनना कठिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? उत्तर है, ये लोकसभा अध्यक्ष माननीय सुमित्रा महाजन, उपाध्यक्ष श्री एम तंबई दुराई, और राज्यसभा अध्यक्ष माननीय मोहम्मद हामिद अंसारी, उपाध्यक्ष श्री पी जे कुरियन है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर है, ये लोकसभा छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर है, ये छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। औपचारिक रूप से सर्वोच्च होने पर भी राष्ट्रपति को व्यवहार में बहुत कम शक्तियां क्यों दी गई हैं? तो उत्तर है, ये भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण औपचारिक रूप से सर्वोच्च पद पर भी राष्ट्रपति को व्यवहार में बहुत कम शक्तियां दी गई है। उत्तर प्रश्न है, अगला इनमें से कौन सा कथन सही है, कारण सहित चर्चा करनी है। तो सबसे पहला ये
हमेशा सबसे बड़े दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। उत्तर है यहाँ, क्योंकि बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। कहा है, हमेशा जिस व्यक्ति को लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य समर्थन देंगे वही प्रधानमंत्री बन सकता है। उत्तर है हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। अगला, हमेशा प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जिसे लोकसभा के सारे सदस्य या सारे दल समर्थन करेंगे। उत्तर है हाँ, लोकसभा में प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत मिलना जरूरी है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका कई स्तरों में होने के क्या फायदे हो सकते हैं? उत्तर है ये, न्याय सस्ता और सुलभ हो जाता है। विधायिका और कार्यपालिका के प्रभाव से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है ये, निष्पक्ष न्याय प्रति के लिए यह आवश्यक है, यानी निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो इसके लिए ये आवश्यक है। अगला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद और विधायिका की भूमिका को किस तरह सीमित रखा गया है? तो उत्तर है ये, न्यायाधीशों की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद और विधायिका के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य और चार वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह ली जाती है। अगला प्रश्न है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई एक व्यक्ति हावी न हो इसके लिए क्या समस्याएं या क्या परंपराएं बनाई गई हैं? तो उत्तर है ये, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। अगला है, नागरिकों में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम किन किन न्यायालयों में जा सकते हैं? तो उत्तर है ये, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। पोलवरम बांध परियोजना में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच पानी के उपयोग को लेकर विवाद पर निर्णय कौन दे सकता है? तो उत्तर है ये, सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय दे सकता है। अगला है, शिक्षा से संबंधित कानून को लेकर केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच विवाद है, इसकी सुनवाई किस न्यायालय में होगी? तो उत्तर है, इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगा, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं। ये 22वां है। अगला प्रश्न है, अगर समाज में आर्थिक असमानता नहीं मिटाई गई तो राष्ट्रीय एकता पर उसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है, आर्थिक समानता नहीं मिटाई गई तो वर्ग भेद बढ़ जाएगा। वर्ग भेद बढ़ने से उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग स्तर बन जाएंगे। आर्थिक असमानता अपराध एवं अन्याय को भी जन्म देगी। सामाजिक वर्ग भेद या मतभेद राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को एकजुट होने में सहायक नहीं होंगे। राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है जो आर्थिक समानता पर टिकी है। पिछले 60 वर्षों में हमारे देश के सामाजिक असमानता किस हद तक घटी है या बढ़ी है, इसका हमारे लोकतंत्र पर क्या असर होगा? उत्तर है बच्चों, ये सामाजिक असमानता बढ़ी है। अनेक प्रांतों में अनारक्षण का विरोध हुआ है जो समता के आधार के विरुद्ध है, किंतु पिछड़े वर्ग के अवसर के लिए यह आवश्यक है। सामाजिक असमानता का कारण किन्हीं वर्ग विशेष की उन्नति के लिए किए गए प्रयास हैं, किंतु इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं। लोकतंत्र की जन कल्याणकारी योजनाएं सामाजिक असमानता को बढ़ा रही हैं। प्रश्न है, आपके क्षेत्र में प्रचलित गौंडिया प्रथा के बारे में पता करें, इसे किस तरह समाप्त किया गया, क्या इसके कुछ अंश आज भी मौजूद है? उत्तर, गौंटिया प्रथा जमींदारी का ही प्रारूप है। इसे समाप्त करने के लिए भू स्वामियों को से भूमि लेकर भूमिहीन वर्ग में बांटी गई। इसमें अनेक कानूनी अड़चने आई, इससे जमींदार वर्ग नाराज हुआ, किंतु इसके कुछ अंश आज भी मौजूद है समाज में, इसको हटाना संभव भी नहीं है। संपत्ति के अधिकार और सरकार द्वारा भूमि अर्जन का मामला फिर से चर्चा में रहा है, इससे संबंधित समाचारों को इकट्ठा करें और कक्षा में इनका सारांश प्रस्तुत कर चर्चा करें। 1950-1980 में जो भूमि अर्जन हो रहा था और आजकल जो भूमि अर्जन हो रहा है, उनमें आपको क्या समानताएं और क्या अंतर दिखाई दे रहे हैं? लिखना है इसका उत्तर है, भू आंदोलन अर्थात विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, जिसमें भूमि को गरीब वर्ग के बीच बांटना मुख्य है। 50 से 80 के दशक में यह कार्य हुआ। अभी सरकार की संपत्ति के अधिकार और भूमि अर्जन पर ही कार्य कर रही है। पहले यह कार्य स्वेच्छा से हो रहा था, आज यह कार्य कानूनी तौर पर हो रहा है। शिक्षा के अधिकार को नीति निर्देशक तत्व की जगह मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने से क्या अंतर पड़ता है?
यह सामाजिक परिवर्तन को किस तरह मदद करता है? तो उत्तर है, शिक्षा के लिए राज्य की बजाय व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्यों को प्रयास न करके व्यक्ति अपने अधिकारों की पूर्णता के लिए स्वयं प्रयास करता है। शिक्षा का प्रतिशत बढ़ता है, शिक्षा का विकास होता है, सामाजिक परिवर्तन को दिशा मिलती है और शिक्षा से समाज को विकास की दिशा मिलती है। प्रश्न है, लोकतंत्र में शक्ति का विकेंद्रीकरण और शक्ति विभाजन का क्या महत्व है? भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण कितने स्तरों पर किया गया? उत्तर है, शक्ति विकेंद्रीकरण का अर्थ शक्तियों को फैलाना व बांटना है। शक्ति विभाजन का महत्व, अधिकारों का बंटवारा। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ है। इससे प्रत्येक इकाई स्वतंत्रता पूर्वक अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए सक्षम और स्वतंत्र है। तीनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, किंतु निरंकुशता की संभावना नहीं है। संसद का न्यायिक काम क्या है? इस काम को उच्च न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया होगा? उत्तर है, ये संसद का न्यायिक काम सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण रखना। यह कार्य न्यायालय को न देकर संसद को इसलिए दिया गया है क्योंकि यह जन प्रतिनिधियों की संस्था है। जन प्रतिनिधियों के नियंत्रण से संसद का न्यायिक कार्य पूर्ण होता है। प्रश्न है, आलोक मानता है कि किसी देश को कारगर सरकार की जरूरत होती है जो जनता की भलाई करे। अतः यदि हम सीधे सीधे अपना प्रधानमंत्री मंत्रीगण चुन लें और शासन का काम उन पर छोड़ दें तो हमें विधायिका की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताएं। तो उत्तर है, यह उचित नहीं है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री और मंत्रीगण को शासन का कार्य सौंपने से विधायिका नहीं बन पाएगी। विधायिका का विधिवत गठन करके ही शासन का कार्य नियमानुसार करना उचित है। जनता की भलाई के लिए सीधे सरकार का चुनाव करने की बात तो उचित है, किंतु विधि पूर्वक विधायिका का गठन संविधानों के नियमों के तहत उचित है, भले ही उसके लिए चुनाव का खर्च हो। द्वितीय सदनीय प्रणाली के गुण दोषों के संदर्भ में इन तर्कों को पढ़िए और इनसे अपनी सहमति असहमति के कारण बताइए। पहला है, द्विसदनीय प्रणाली में से कोई उद्देश्य नहीं चलता। उत्तर है, द्विसदनीय प्रणाली से कोई उद्देश्य नहीं चलता। असहमत दोनों सदन मिलकर ही सुचारू रूप से कार्य कर सकते हैं। अगला है, राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए। तो उत्तर है, राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए। सहमत, यह राज्य के चुने हुए सदस्यों का सदन है, इसलिए विशेषज्ञों का होना आवश्यक है। अगला है, यदि कोई देश संघीय नहीं है तो फिर दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं रह जाती। उत्तर है, यदि कोई देश संघीय नहीं है तो फिर दूसरे सदन की जरूरत नहीं रह जाती। असहमत, दोनों सदनों के परस्पर सहयोग से शासन सुचारू रूप से चल सकता है। प्रश्न है, लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जनसभाओं और जनता की अपेक्षा की अभिव्यक्ति का मंच है, क्या आप इससे सहमत है? कारण बताइए। तो उत्तर है बच्चों, हाँ सहमत है, क्योंकि यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की संस्था है। इसका उद्देश्य जन भावनाओं एवं जन अभिव्यक्तियों को महत्व देना, इसलिए जन प्रतिनिधियों की संस्था भी माना जाता है। प्रश्न है, नीचे संसद को ज्यादा कारगर बनाने के कुछ प्रस्ताव लिखे जा रहे हैं, इनमें से प्रत्येक के साथ अपने सहमति या असहमति का उल्लेख करें। यह भी बताएं कि इन सुझावों को मानने के क्या प्रभाव होंगे। तो उत्तर देखते हैं, पहला, ये संसद को अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक काम करना चाहिए। तो उत्तर है, सहमत है, कार्य समय पर पूर्ण होंगे। नंबर का संसद के सदस्यों का सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। तो उत्तर, सहमत है, इसमें जनप्रतिनिधि है, जनता के लिए कार्य करने के लिए संसद में जाना जरूरी है। अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने पर सदस्य को दंडित कर सकें। उत्तर, सहमत है, क्योंकि कार्रवाई में बाधा होने पर पूरा संसद का कार्य रुक जाता है। एक दिन का सांसदों का वेतन भत्ता फोकट में ही उन्हें मिल जाता है, कार्य में विलंब होता है।
प्रश्न है, अगर मंत्री ही अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं और बहुसंख्यक दल आमतौर पर सरकारी विधेयक को पारित करता है तो फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका क्या है? तो उत्तर है ये, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों के स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून का रूप लेता है। संसद के दोनों सदनों की किसी विधेयक पर स्वीकृति हो जाए तो राष्ट्रपति को उसे कानून बनाने के लिए हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। भारतीय कार्यपालिका और संसद के बीच का क्या रिश्ता है? इनमें चुने ये पहला है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। बिल्कुल उत्तर सही है, यानी हाँ है। ये कार्यपालिका द्वारा संसद द्वारा निर्वाचित होती है, ये भी उत्तर में हाँ है। संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है, ये तक गलत है, लेकिन नहीं करती। कार्यपालिका संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर है, ये भी उत्तर हाँ में है। निम्नलिखित संवाद पढ़ें और बताएं आप किस तर्क से सहमत हैं और क्यों। तो ये अमित है, संविधानों के प्रावधानों को देखने से लगता है कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना है। उत्तर हाँ, क्योंकि संसदीय स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। रमा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इस कारण उसे प्रधानमंत्री को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। उत्तर नहीं, बहुमत दल का नेता है तो बहुमत ही निर्णय लेगा कि क्या करना है। राजेश, हमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं, चुनाव के बाद संसद बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है जो प्रधानमंत्री बने। उत्तर नहीं, कार्यपालिका के बिना विधायक का गठन नहीं हो सकता, राष्ट्रपति का होना आवश्यक है। दो ऐसी परिस्थितियों के बारे में पता करें जब भारत के राष्ट्रपति ने संसद के किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया हो, उसके उनके बारे में पता करें कि राष्ट्रपति ने क्यों लौटाया तथा अंत में क्या हुआ। उत्तर है, एक आपातकाल के समय की घटना है, दूसरे आपातकाल के समय गठित सरकार के समय की देश की शांति व्यवस्था को देखते हुए यह किया गया और आपातकाल की घोषणा करना पड़ा। दूसरी परिस्थिति में सरकार को भंग करना पड़ा। प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एक धुरी के रूप में काम करता है, यह मनमानी नहीं करें और तानाशाह न बने, इसको किन किन तरीकों से सुनिश्चित किया जा सकता है? तो उत्तर है, नंबर एक, संसद का नियंत्रण रहता है। नंबर दो, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कार्य नहीं कर सकता। नंबर तीन है, जिस बहुमत दल का नेता है उस दल का समर्थन उसे आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह है? राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति या संसद के प्रति? उत्तर है, संसद के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि संसद जन प्रतिनिधियों का संगठन है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में जो बेमेल हो उसे छापे। तो उत्तर है, अगला ये, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है। ये उत्तर हाँ है। अगला है, न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं घटाया जा सकता, ये भी उत्तर हाँ में है। अगला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद का दखल नहीं है, ये भी उत्तर आपका हाँ में है। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखे। तो उत्तर है, ये गलत जवाब है। ये न्यायपालिका किसी भी विषय पर अपना स्वतंत्र मत दे सकती है। देश में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त रखा गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है वह न्याय करने में निष्पक्ष और स्वतंत्र है, यद्यपि उसकी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है किंतु वह अप्रत्यक्ष रूप से विधायिका और कार्यपालिका से जुड़ी है। न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रपति के पास आवेदन किया जा सकता है। प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं? तो उत्तर है, ये प्रावधान, नंबर एक, न्यायाधीशों का चुनाव। नंबर दो, न्यायपालिका का गठन। नंबर तीन, न्यायाधीशों को पद से हटाना। नंबर एक, निष्पक्ष। नंबर चार है, निष्पक्ष न्याय देना। नंबर पांच, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त आवेदन पर पुनर्विचार करना। ये नंबर चार है बच्चों। सामाजिक बदलाव लाने के लिए संविधान में
भारतीय राज्य को बहुत सी शक्तियां दी गई हैं, क्या आपको लगता है इन शक्तियों का उचित उपयोग किया गया है? क्या यह वंचित और गरीब तबकों के हित में किया गया या प्रभावशाली तबकों के पक्ष में किया गया है? तो उत्तर है हाँ, इन शक्तियों का उचित उपयोग वंचित और गरीब तबकों के हित में किया गया है। इससे सामाजिक बदलाव हुए हैं, जैसे मताधिकार की आयु घटाने से अधिकांश लोग चुनाव प्रक्रिया के भागीदार बने। शक्ति के विकेंद्रीकरण से शासन की बागडोर समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंची है। आरक्षण के कारण पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ने की सुविधा मिली, जिससे सामाजिक बदलाव आया। प्रश्न है, सही विकल्प पर चुन करके लिखिए। तो नंबर एक है, सत्ता के केंद्रीकरण के दुष्परिणाम होंगे। तो क्या है ये? निर्णय में विलंब होगा, ये पर इसका सही है। नंबर दो है, संसद का कौन सा सदन वयस्क मताधिकार से बनता है? तो कौन है बच्चों? ये है लोकसभा। नंबर तीन है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है, क्या बनता है बच्चों? ये बनता है प्रधानमंत्री। अगला है, अंतर राज्य स्तर विवादों पर निर्णय दे सकता है, तो कौन दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। नंबर पांच है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? ये बच्चों अच्छे से याद होना चाहिए, तो 12 है, ये अच्छे से याद करके रखिए, इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है, कौन है? श्रीमती सुमित्रा महाजन, इसका नाम लिख लीजिएगा, श्रीमती सुमित्रा महाजन। नंबर दो है, संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति सहमति के बाद के हस्ताक्षर से कानून बनते हैं, तो ये राष्ट्रपति है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति लिख लीजिए। नंबर तीन है, संसद में राज्यसभा सदस्य के लिए निर्धारित आयु वर्ष रखी गई है, कितनी है बच्चों? ये है आपका 30 वर्ष। नंबर चार है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें हैं, कितनी है बच्चों? ये तो 11 सीटें हैं। और संसद में महिलाओं के लिए प्रतिशत आरक्षित सीटें हों, कितनी होनी चाहिए? 33%। ध्यान रखना बच्चों, 33% होनी चाहिए। उचित संबंध जोड़िए। तो पहले खंड अ है और ये खंड ब है, इसमें देखते हैं कैसे होगा। तो पहला, ये संसद के सदनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? संसद के सदनों की संख्या तो दो होती है, ये ध्यान रखना, ये पहले नंबर पे आएगा आपका। इसके बाद नंबर दो है, लोकसभा सदस्य की आयु कितनी होती है? ये है 25 वर्ष, ये दूसरे नंबर पे आएगा। अब ये नंबर तीन है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के लिए कितना होगा? ये आपका कार्यपालिका का प्रमुख आएगा, यानी कि ये आपका तीसरे नंबर पे जाएगा। इसके बाद आ रही है राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है, ये नंबर चार पे जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री को तो लोकतंत्र की गुरी माना जाता है, ये बच्चों पांचवे नंबर पे जाएगा। प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का प्रयोग संसद के किस सदन के लिए किया जाता है? तो उत्तर है, ये सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का प्रयोग लोकसभा सदस्य चुनाव के लिए किया जाता है। प्रश्न है, भूदान आंदोलन कब हुआ है? तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा 50 से 80 के दशक में किया गया था। प्रश्न है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है? तो उत्तर है, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान संशोधन संबंधी कार्य महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो उत्तर है, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। लोकतंत्र में शक्ति विभाजन का क्या महत्व है? तो उत्तर है, ये लोकतंत्र में शक्ति विभाजन का महत्व अधिकारों का बंटवारा है। अगला प्रश्न, संसद का न्यायिक काम क्या है? तो उत्तर है, ये संसद का न्यायिक काम सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण रखना है।
सरकार के कई स्तर में होने के क्या लाभ है? तो उत्तर है बच्चों, ये न्यायपालिका कई स्तरों में होने से न्याय सस्ता और सुलभ हो जाता है। प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में सदस्य संख्या में अंतर क्यों है? तो उत्तर है बच्चों, ये सदन के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं। लोकसभा के सदस्य का चुनाव जनरल पर आधारित चुनाव क्षेत्र पर ना कर किया जाता है, इसलिए इनकी सदस्य संख्या अधिक रखी गई है। राज्यसभा में राज्य के विधान मंडलों से निर्वाचित होकर सदस्य आते हैं, राज्यों की संख्या के अनुसार इसमें सदस्य संख्या रखी गई है। प्रश्न है, जमींदारी प्रथा को कैसे समाप्त किया गया है? तो उत्तर है, ये जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिए जमीन को गरीबों में बांटा गया, भूस्वामियों से भूमि लेकर भूमि इनको दे दी गई है, इसको भूमि इनको दी गई। इसमें कानूनी अड़चने आने के कारण जमींदार नाराज हुए। आज भी गांव में जमींदारी प्रथा व्याप्त है, ग्रामीण समाज से इस बुराई को हटाना संभव नहीं है। प्रश्न है, स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? तो उत्तर है, स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान है। नंबर एक, न्यायाधीशों का योग्यता के आधार पर चुनाव किया जाता है। नंबर दो, न्यायाधीशों को पद युक्त करने का भी संविधान में उल्लेख है। नंबर तीन, न्यायपालिका न्याय प्रदान करने में निष्पक्ष रखते हैं। नंबर चार है, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त आवेदन पर न्यायपालिका को पुनर्विचार करना आवश्यक है। प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की धुरी प्रधानमंत्री को क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है, भारतीय लोकतंत्र का आधार प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पर मनमानी और तानाशाही हावी ना हो जाए, इसके लिए निम्नलिखित विधियां सुनिश्चित की गई हैं। नंबर एक, प्रधानमंत्री पर संसद का नियंत्रण रहता है। नंबर दो, राष्ट्रपति की अनुमति से ही उसे कार्य को संपादित करना पड़ता है। नंबर तीन, प्रधानमंत्री जिस बहुमत दल का नेता होता है उस दल का समर्थन हमेशा बना रहना आवश्यक है। नंबर चार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व से बने मंत्रिपरिषद के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो उत्तर है, ये न्यायपालिका अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है। यह न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना न्याय का कार्य कर सकती है। यह तथ्य निम्नलिखित कार्यों से स्पष्ट होता है। नंबर एक, न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त रखा गया है। नंबर दो, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकती है। नंबर तीन, न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध केवल राष्ट्रपति के पास आवेदन किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में कौन सा सदन शक्तिशाली है और क्यों? तो उत्तर है, भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को स्थायी सदन कहते हैं। इसमें प्रत्येक 5 वर्ष में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के द्वारा लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्य की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य इसमें आते हैं और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अलग हो जाते हैं, उनके स्थान पर दूसरे सदस्य आते हैं। लोकसभा शक्तिशाली सदन माना जाता है क्योंकि इसके सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये जनता के बीच से चुनकर आते हैं, इसलिए जनता के प्रति प्रत्यक्ष जिम्मेदार होते हैं। धन विधेयक भी लोकसभा के अनुमति के बिना पास नहीं होता, इसलिए लोकसभा को निम्न सदन होते हुए भी संसद का शक्तिशाली सदन माना जाता है। प्रश्न है, भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, भारत की संघीय विधायिका का नाम दिया गया है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद कहलाते हैं। मंत्रिमंडल संसद का ही भाग है। संसद देश की राजनीतिक व्यवस्था का आधार है। संसद के कार्य देख लेते हैं क्या है। नंबर एक है, विधायी कार्य, कानून निर्माण करना, संविधान में संशोधन करना। नंबर दो है, प्रशासनिक कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, सरकार की नीतियों व कार्यों के बारे में विचार विमर्श करना। नंबर तीन, वित्तीय शक्तियां, बजट को स्वीकृति प्रदान करना। नंबर चार, निर्वाचन संबंधी कार्य, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना। नंबर पांच, विविध कार्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा न्यायपालिका के न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधी
जांच करना आपातकाल का अनुमोदन। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के संबंधों को बताते हुए प्रधानमंत्री के कार्यों का विवरण कीजिए। देना है इनका विवरण। राष्ट्रपति को प्रशासनिक सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से ही कार्य करता है। प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। नंबर एक, विभिन्न मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना। नंबर दो, मंत्रियों के कार्य निश्चित करना। नंबर तीन, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। नंबर चार, मंत्री परिषद के लिए मंत्रियों का चयन सहयोगी दलों की सहायता से करना। नंबर पांच, विभिन्न विभागों की नीतियों का समन्वय एवं मार्गदर्शन करना। नंबर छह, विभिन्न योजना और नीति आयोगों की अध्यक्षता करना। प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 एक के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की व्यवस्था है, परंतु प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकसभा से जिस दल का बहुमत होता है उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद नियुक्ति होती हेतु राष्ट्रपति को आमंत्रित करना पड़ता है और उसी को प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के लिए कहा जाता है या कहता है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों को संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो देखते हैं बच्चों, उत्तर, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसकी शक्तियां केवल कार्यपालिका संबंधी ही नहीं वरन वह विधायी, वित्तीय, न्यायिक एवं संकटकालीन शक्तियों का भी प्रयोग करता है। उनकी ये शक्तियां निम्नलिखित हैं। तो नंबर एक चलते हैं, कार्यपालिका शक्तियां। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारी बनाया गया है और उसे असीमित कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई हैं। उसकी कार्यपालिका शक्तियां निम्नलिखित है। नंबर एक, राष्ट्रपति देश का प्रमुख कार्यपालिका अधिकारी है, कार्यपालिका अधिकारी है। नंबर दो है, राष्ट्रपति देश में सभी कानूनों को लागू करता है। नंबर तीन, देश में सभी बड़ी बड़ी नियुक्तियां जैसे प्रधानमंत्री, संघीय लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, भाषा आयोग, महान्यायवादी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करता है। नंबर चार है, राष्ट्रपति न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों को हटा सकता है। वैधानिक शक्तियां, राष्ट्रपति संघीय संसद का एक अभिन्न अंग है। उसे कुछ वैधानिक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, जो इस प्रकार है। नंबर एक, वह संसद की बैठक बुलाता है। नंबर दो, वह संसद की बैठक को समाप्त करता है। नंबर तीन, वह जल, थल तथा वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। नंबर चार, वह राज्यों को समय समय पर निर्देश देता है। नंबर पांच, वह विदेशी मामलों का निपटारा तथा दूसरे देश से संधि समझौते आदि करता है। नंबर छह, वह विदेशों में अपने राजदूतों को भेजता है तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है। वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। नंबर एक, वित्त विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। नंबर दो, हर वर्ष 1 अप्रैल को पहले संसद में बजट पेश करता है। नंबर तीन, वह आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। नंबर चार, वह संघ तथा राज्यों के मध्य टैक्स का बंटवारा करता है। नंबर पांच, वह हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। न्याय शक्तियां देखते हैं, राष्ट्रपति को निम्नलिखित न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। नंबर एक, वह सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नंबर दो, वह संघीय कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधियों की सजा को कम कर सकता है तथा माफ भी कर सकता है। नंबर तीन, वह राजनीतिक बंदियों को आम माफी प्रदान कर सकता है। नंबर चार, उसे किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। नंबर पांच, वह सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में सलाह ले सकता है। प्रश्न, निर्वाचन चुनाव आयोग के 6 कार्यों को लिखकर व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है, निर्वाचन चुनाव आयोग के 6 कार्य। नंबर एक, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन यानी जनसंख्या के बढ़ने व सीटों की संख्या में परिवर्तन के अनुसार चुनाव क्षेत्र में पुनर्सीमांकन करना पड़ता है। यह कार्य निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के मार्गदर्शन और निर्देशन में एक परिसीमन आयोग द्वारा जारी
परिसीमन आयोग के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। अगला है हमारा चुनावों का निर्देशन व नियंत्रण। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कर्तव्य निष्पक्ष निर्वाचन करवाना है, इसलिए संपूर्ण निर्वाचन व्यवस्था निर्वाचन आयोग के अधीन है। यह निर्वाचनों का प्रबंध निर्देशन व नियंत्रण करता है तथा निर्वाचन से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। नंबर 3, मतदाता सूची तैयार करना। निर्वाचन से पूर्व निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर मतदाता सूचियों को तैयार करता है, जिससे योग्य सभी उम्मीदवारों का मतदाता सूची में नाम आ सके। प्रत्येक चुनाव के पूर्व इन सूचियों में संशोधन करवाया जाता है, जिससे नया मतदाता जोड़ा जा सके तथा मृत्यु होने वाला मतदाता का नाम काटा जा सके। नंबर 4 है राजनीतिक दलों को न्याय यानी मान्यता देना। तो राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग ही देता है। प्रत्येक निर्वाचन के बाद मतों के निश्चित प्रतिशत के आधार पर राष्ट्रीय दलों व क्षेत्रीय दलों को मान्यता देने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। नंबर 5, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद व विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन करना। निर्वाचन आयोग संसद के दोनों सदनों तथा राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों के लिए निर्वाचन करता है। राज्यसभा के रिक्त स्थानों तथा निम्न सदन लोकसभा के उप निर्वाचनों की व्यवस्था में निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के रिक्त पदों के लिए निर्वाचन करवाने का दायित्व निर्वाचन आयोग का होता है। नंबर 6, दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों को निर्वाचन चिन्ह देना। तो निर्वाचन आयोग ही राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचन चिन्ह निर्धारित करता है। इस प्रकार निर्वाचन के समय निर्दलीय प्रत्याशियों को भी निर्वाचन चिन्ह आयोग ही प्रदान करता है। निर्वाचन चिन्ह से संबंधित झगड़ों का निपटारा आयोग ही करता है। जैसे 1969 में कांग्रेस विभाजन के समय 2 बैलों की जोड़ी के निर्वाचन चिन्ह को आयोग ने नई कांग्रेस को दिया था। ये बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे बच्चों आप लोग। चाहे सही लगे तो भी कमेंट करिएगा, नहीं सही लगे तो भी अपना कमेंट दीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको देख सकें और लाभ ले सकें। इसी के साथ मैं आरएस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।